बुलडोजर एक शानदार यंत्र है जिससे किसी को भी कुचला जा सकता है, किसी को भी, लेकिन क्या संविधान को भी कुचला जा सकता है? यह सवाल अपने आप में बड़ा है। देश के भीतर 4.5 करोड़ से ज्यादा मामले कोर्ट में लंबित पड़े हैं और देश की राजधानी दिल्ली में ही लाखों मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में धूल फांक रहे हैं। तो फिर न्यायिक फैसला होगा तो होगा कैसे और कहां पर? क्या न्याय की नई परिभाषा बुलडोजर के रूप में गढ़ दी गई है? दिल्ली हाई कोर्ट में अवैध कब्जों के मामले हैं, उनकी संख्या करीब 9,500 है। 10 साल पुराने ये लंबित मामले हैं। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 90,000 से ज्यादा मामले लंबित पड़े हैं, करीब 10 बरस के आसपास के आंकड़े हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट से जहांगीरपुरी की दूरी 20 किलोमीटर की है और इस देश में सुप्रीम कोर्ट का आदेश वहां तक पहुंचते पहुंचते 2 घंटे का वक्त लग जाता है ना हैरानी की बात। और इस 2 घंटे के वक्त में 11 मकान 17 दुकान सड़कों पर बिखरी रेड़ियां उठा ली जाती हैं, उड़ा दी जाती हैं, वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश देश के भीतर सक्षम ही ना हो। तारीख पर तारीख सुनवाई के इंतजार में 4.5 करोड़ केस, 50% जजों के पद खाली, यानी सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालत पर केस पेंडिंग, जानते हैं कहां कहां और कैसे कैसे। और अगर बात सुप्रीम कोर्ट की ही की जाए तो सिर्फ देश की सर्वोच्च न्यायालय में 70,000 से ज्यादा मामले पेंडिंग पड़े हैं। 2010 और 2020 के बीच लंबित मामलों की संख्या लगभग 3% के आसपास पहुंच जाती है और देश के भीतर इतनी बड़ी जनसंख्या जहां पर एक तरफ बुलडोजर के पक्ष में और दूसरी तरफ बुलडोजर के खिलाफ खड़ी हो जाती है और बुलडोजर देश की सर्वोच्च न्यायालय की चौखट पर जाकर खड़ा हो जाता है और फिर उसका फैसला न्यायालय वक्त पर छोड़ देता है। मैं जिक्र जहांगीरपुरी का ही कर रहा था। जहांगीरपुरी 3 हिस्सों में बटी हुई है। आदर्श नगर 6 ब्लॉक, बादली का हिस्सा 6 ब्लॉक में नहीं 4 ब्लॉक में दिखाई देता है, जबकि बुराड़ी का हिस्सा 3 ब्लॉक में। पूरा का पूरा इलाका 3-3 हिस्सों में बटा है, यानी पुलिस भी बढ़ जाती है और पार्षद भी बढ़ जाते हैं। 2017 की ऑस्ट्रेलिया की एजेंसी ने एक रिपोर्ट सबके सामने रखी भारत के दंगों के ऊपर। 2017 तक बताया गया कि देश में जो दंगे हुए उसमें तकरीबन देश को जो नुकसान हुआ वो 40 लाख करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ, यानी भारत ने 40 लाख करोड़ के नुकसान को झेला है। राजनीतिक सत्ता ठहाके लगाती है तो फिर बुलडोजर ही क्या वाकई न्याय का प्रतीक हो चुका है? अगर हां तो फिर कोर्ट और सिस्टम की जरूरत क्या? सत्ता का बीन बजाना और मीडिया के लिए खबरें तमाशा बन जाना क्या वाकई सवाल नहीं खड़े करता? यह सवाल समूचे सिस्टम पर खड़े करता है। दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस, पूरे देश के भीतर इन 2 राज्यों का पुलिसिया बजट सबसे ज्यादा, हाईटेक पुलिस मानी जाती है, तो फिर इतनी बड़ी चूक कहां से हो गई? दंगे की आवाज के बाद बजती मीडिया की सीटियां और सिस्टम तालियां बजाता हुआ क्या आपको डराता है? 2 घंटे का वक्त लग जाता है आदेश पहुंचने में, वो भी सुप्रीम कोर्ट का, तो फिर जिम्मेदारी लेगा कौन? आपके लिए जहांगीरपुरी में लोगों का सामान बिखरा हुआ कबाड़ सा लगता हो, मगर सच ये है कि देश में 80 लाख लोग कबाड़ की जिंदगी को ही जी रहे हैं, यानी कि वो कबाड़ की सहारे ही अपना जीवन यापन करते हैं। पूरे देश में लाउडस्पीकर पर बवाल छिड़ा है, आजान हनुमान चालीसा की जंग छिड़ी है, मगर मामा जी के राज्य में, समझ गए ना, मामा जी का राज्य, मामा जी के राज्यों में सड़कों पर दारू बेची जा रही है, वो भी लाउडस्पीकर लगाकर, जोर जोर से लाउडस्पीकर से सुनाया जा रहा है कि शराब खरीद लो, सेल लगी है। यकीन नहीं आता, सुनिए। महाराष्ट्र से सस्ते दारू, मैंने बड़ा दुकान नंबर 1 को आता 130 रुपये, 5 को आता 130 रुपये,
बिलियन 50 रुपए। बोरिस जॉनसन मूलतः ब्रिटेन की एक कंपनी जेसीबी के बुलडोजर मशीन पर चढ़कर शायद हम भारतवासियों पर हंस रहे होंगे। इस तस्वीर को देखिए, हंस रहे होंगे वो। अब भी ब्रिटेन की एक मशीन हमारे भारत लोकतंत्र को क्या वाकई में कुचल रही है? गुस्सा नहीं, दया आती है उन पर जो लोकतांत्रिक मूल्यों के दमन का आनंद लेते हैं। हमारे मीडिया के साथी नाच नाच कर उस खबर को बताते हैं, जो कूद कूद कर रिपोर्टिंग करते हैं और स्टूडियो में बैठकर सीटियां बजाते हैं। ये वाकई में शर्मिंदगी का एहसास करवाते हैं। तो क्या कानून की किताब अब छोटी पड़ रही है? यह संजोग है या फिर प्रयोग? जरा सोच कर देखिए कि आप बुलडोजर के पक्ष में हैं या फिर खिलाफ में। चलते चलते राहत इंदौरी साहब का, वो जो लोकप्रिय शायर रहे राहत इंदौरी, उनकी एक शायरी याद आ गई। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआ है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद है, कल नहीं होंगे किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। यही तो कहा राहत इंदौरी साहब ने, है कि नहीं? तो बुलडोजर जब तक आप तक नहीं पहुंचा, तब तक आप कहेंगे बुलडोजर अच्छा है। जिस दिन आप तक पहुंचेगा, तब आप कहेंगे यही बुलडोजर अन्याय का प्रतीक है। क्या यही सच है? जरा सोच कर देखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।